अबे पता चला मुसलमान है ना। क्या हुआ उसको? अबे उसको कुछ नहीं हुआ। अबे हुआ क्या बता दो। अबे उसने बाल कटा लिए। नहीं करी यार, बाल कटा लिए पता नहीं, बता नहीं रहा, पूछा था मैंने। फिर हो सकता है अपने अगले व्लॉग में बताएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस सलमान खान एस्के एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड, और मैं भी बिल्कुल फिट फॉर ठीक ठाक हूँ। कहानी ये है कि भाई बहुत बिजी डे है आज, और बिजी डे इस तरह है कि अभी मैं सुबह से हूँ डांस प्रैक्टिस में। भाई एक दोस्त की शादी है जिसकी मेहंदी के लिए हम डांस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस डांस की प्रैक्टिस में मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन अभी यहाँ से फिर जाना है मुझे यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारा परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी का एक इवेंट हो रहा है। इट्स कॉल्ड मैड फेस्ट। मैड मीन एम से म्यूज़िक, ए से एक्टिंग और डी से डांसिंग। अब कहानी ये है कि आप लोगों में से बहुत को नज़र आ रहा होगा मुझ में थोड़ा चेंज। बिल्कुल भैया, चेंज तो आया है, मैंने बाल कटवा दिए। बस बाल कटवाने की देर ही थी कि मुझ पे शुरू हो गई सवालों की भरमार। किसी ने दिए बहुत नेगेटिव कमेंट और किसी ने किया इनकरेज। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ भाई, क्या चल रहा है साकिब? यार सलमान भाई, प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे फाइनल्स के लिए। अरे हमने बाल कटवा लिए। अरे यार बाल, जानी तुमने बाल क्यों कटाए? दिखा बाल कटवाने तूने? अचानक से बाल कटवाने की वजह कुछ समझ नहीं आई। नहीं यार, अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यार लंबे बेहतर लग रहे हैं। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। अरे खामा का तुमने अपने बाल कटवा लिए, इतने अच्छे लग रहे थे लंबे बालों में, क्यों कटवाए? सलमान तूने बाल क्यों कटवाए? मैंने बाल क्यों कटवाए, मतलब चलो अगर अब कटवा लिए हैं तो यार, मतलब कौन सा गुनाह कर दिया यार? मतलब क्यों लोग पूछ रहे हैं क्यों कटवाए क्यों कटवाए क्यों कटवाए? आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने बाल कटवाए क्यों, तो भैया कहानी ये है कि मैं खुद से रिलेटेड अपने सारे डिसीजन खुद लेता हूँ। सुनता सबकी हूँ पर करता सिर्फ अपनी हूँ। बेसिकली आई एम अ सख्त लौंडा। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सख्त लौंडा पिघल गया भैया, किसी ने कह दिया बाल कटवाओ तो मुझे कटवाने पड़ गए। मतलब मैंने बात मान ली इस बार। बाल कटवाने से थोड़ी देर पहले चेक करो। अब कहानी ये है कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कौन था जिसकी सलमान ने बात मान ली और बाल कटवा दिए, तो भैया वो मैं अभी नहीं बता रहा। अगर किसी को वाकई जानने का है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, हो सकता है कि बता दूं, लेकिन उम्मीद है कि बताऊंगा नहीं। तो अब आगे कहानी हम दिखाएंगे आगे। यहाँ की म्यूजिक चली है, तो आगे कहानी दिखाएंगे आगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी है, प्रैक्टिस कर लूँ फिर जाऊँगा मैं यूनिवर्सिटी। चलते हैं। Oh,
तार काट दिया होगा। कहाँ किसका खून हुआ है? पर हम लोगों ने अपने कानों से खून। अरे गड़े में गिरा है छुरी। आंटू की बात है बिल्कुल झूठी अफवाह। चलो घर जाओ, देख क्या है, घर जा। भैया ये था हमारा मैड फेस्ट जो कि हम अटेंड कर चुके हैं और अब हम थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं। थकन बहुत हो गई है। तो बहरहाल शुएब को आप लोग जानते हैं भाई, इसने बड़ा अच्छा एक्ट किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत हंसाया भी है, बहुत मतलब इमोशनल भी किया भाई इन्होंने अपने एक्ट में। एक और आ गया, ठीक है, हमारे साथ एक और भी है, ये भी हमारे भाई एक्टर हैं माशाल्लाह। आसान आपको हम ढूंढ रहे थे, आपके बगैर हम वो ऐड कर चुके हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही है, अगर और कुछ हुआ तो लाजमी दिखाएंगे। करो, बता रहा हूँ मैं, वरना बहुत मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा भाई। ये बड़ा खतरनाक बंदे है, तो भाई अपने पर घर पहुँचे, मुझे भी घर पहुँचाओ यार, मुझे भी घर पहुँचाओ, मैं बड़ा दूर रहता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ के साथ दोबारा आएंगे। फी अमान अल्लाह। हमें पता चला वो सलमान है ना, उसको पता चला तुझे? नहीं, कौन, क्या हुआ? अबे यार वो सलमान को क्या हुआ? हसन अली नवाल बड़े सारी बड़े ठीक है।